हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कैलकुलेशन ऑफ रिजेक्शन पीपीएम, रीवर्क पीपीएम एंड रिपेयर पीपीएम इन एक्सेल सीट। सो प्लीज लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। सो फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजेक्ट पार्ट। दोस्तों, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रिजेक्ट पार्ट होता क्या है, स्क्रैप पार्ट क्या होता है, रीवर्क पार्ट क्या होता है और रिपेयर पार्ट क्या होता है। तो रिजेक्ट पार्ट इज इक्वल टू स्क्रैप पार्ट प्लस रीवर्क पार्ट प्लस रिपेयर पार्ट। तो दोस्तों, जो रिजेक्ट पार्ट होता है उसको ये कम्बिनेशन होता है स्क्रैप पार्ट का, रीवर्क पार्ट का एंड रिपेयर पार्ट का। इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फिलहाल अभी रिजेक्शन पीपीएम क्या हो जाएगा, स्क्रैप पीपीएम प्लस रीवर्क पीपीएम प्लस रिपेयर पीपीएम। सो लेट अंडरस्टैंड रिजेक्ट पार्ट बाय ए एग्जांपल। सपोज ऑपरेशन फर्स्ट ब्लैंकिंग ऑपरेशन एंड सेकंड ऑपरेशन इज पंचिंग एंड थर्ड फाइनल ऑपरेशन इज बेंडिंग। तो ऑपरेटर फर्स्ट ने ब्लैंकिंग किया 500 पार्ट का, जिसने एज ए इनपुट अगले ऑपरेशन के लिए दे दिया पंचिंग होने के लिए। तो पंचिंग ऑपरेटर ने भी 500 पार्ट की पंचिंग की और एज ए इनपुट ऑपरेशन 3 को दे दिया बेंडिंग करने के लिए। इस ऑपरेटर ने 500 में से 495 ओके पार्ट बेंड किए एंड 5 पार्ट क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो दोस्तों, ये जो अभी जो रिजेक्ट हुआ है, ये बाद में बेशक रिवर्क हो जाए या रिपेयर हो जाए या स्क्रैप हो जाए, वो ये बाद की बात है। बट फिलहाल अभी जो फर्स्ट टाइम पे जो पार्ट खराब बना है उसको हम रिजेक्ट पार्ट बोलेंगे, और ओवरऑल रिजेक्शन पीपीएम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इस पार्ट को ही कंसिडर करेंगे। इसके बाद अगर हम रिवर्क कर लेते हैं पार्ट को, तो रिवर्क का पीपीएम अलग निकलेगा। अगर किसी पार्ट को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर का पीपीएम अलग निकलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है रिवर्क पीपीएम क्या होता है, एक बार पार्ट जब रिजेक्ट हो जाता है या कोई डिफेक्टेड है उसके अंदर, वो ऐसा डिफेक्टेड है वो रिवर्केबल है। मीन्स तो रिवर्केबल का मतलब क्या होता है, एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन हमने उस एनजी पार्ट को ओके पार्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल करेक्टिव एक्शन। तो दिस इज द रिवर्क पार्ट। तो इसको हम सेपरेटली रिवर्क पीपीएम में कैलकुलेट करेंगे। एंड रिपेयर क्या होता है, रिपेयर होता है इंटेंडेड यूज एज पर फिटमेंट बेसिस बाय गेटिंग अप्रूवल ऑफ कस्टमर। मीन्स कस्टमर के अकॉर्डिंग किसी पार्ट को रिपेयर कर देना। बट रिपेयर करते समय हमारा ये रिस्क रहता है कि वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को 100% मीट ना करे और प्रोडक्ट की ओरिजिनल शेप में कुछ जो है अल्टरेशन आ जाता है, यानी छेड़छाड़ हो जाती है, तो उस पार्ट को रिपेयर पार्ट बोलेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा फर्स्ट टाइम है कोई पार्ट ठीक नहीं बनता है तो उसको हम रिजेक्ट पार्ट ही कंसिडर करेंगे, बेशक बाद में वो रिवर्क हो जाए या फिर रिपेयर हो जाए। ओके दोस्तों, स्क्रैप पार्ट क्या होता है, स्क्रैप पार्ट वो पार्ट होता है यानी तो जो अंत में उसको ना तो वो रिवर्क होने वाला है ना ही वो रिपेयर होने वाला है, तो ऐसे पार्ट को हम स्क्रैप पार्ट बोलेंगे, नॉट रिवर्केबल और नॉट रिपेयर। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन को एक्सेल सीट में समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। नाउ रिजेक्शन रिवर्क एंड रिपेयर पीपीएम कैलकुलेशन एक्सेल सीट। तो टोटल रिजेक्ट पार्ट कितने हुए हैं दोस्तों वहाँ पे, अभी हमने देखा 5 पार्ट रिजेक्ट हुए हैं एंड टोटल रिवर्क, सपोज करो रिवर्क हो गया है हमारा 2 पार्ट एंड 1 पार्ट क्या हो गया है, रिपेयर। ओके दोस्तों, तो एंड स्क्रैप कितने हो गए हमारे, 2 पार्ट। तो टोटल हम जो पाँच पार्ट रिजेक्ट हुए थे उसमें से हमने 2 पार्ट को रिवर्क कर दिया एंड रिपेयर कर दिया 1 पार्ट को एंड स्क्रैप कर दिया 2 पार्ट को। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे, टोटल एंड ओवरऑल रिजेक्शन पीपीएम कैसे निकलेगा,
यानी टोटल रिजेक्शन डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन, यानी 495 का प्रोडक्शन उसने किया है आउट ऑफ 500 इनटू में 10 लाख, एंटर। तो दिस इज द रिजेक्शन पीपीएम, ओके 10101। तो सिमिलरली आपका जो है कैलकुलेशन हम निकाल देंगे रीवर्क का, तो रीवर्क यहाँ पर कितना है हमारा 2, एंटर। तो 4040 हमारा क्या आ गया रीवर्क पीपीएम। सिमिलरली रिपेयर पीपीएम 1 एंड पीपीएम आ गया 2020। सेम जो स्क्रैप हुआ है, दो पार्ट हुए हैं, तो 4040 हमारा स्क्रैप आ गया। अब इसको हमें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, यू जस्ट सिलेक्ट रिजेक्शन पीपीएम, रिवर्क पीपीएम, रिपेयर पीपीएम, स्क्रैप पीपीएम, गो टू इंसर्ट, देन गो टू 2D कॉलम चार्ट एंड इट विल बी अ ग्राफ। दिस इज द पीपीएम, वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ पीपीएम, हेयर वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ लीजेंड्स एंड वी कैन डिलीट दिस लीजेंड्स, वी कैन सेट द एक्सिस 14,000 क्लोज। ओके दोस्तों, नाउ वी हैव टू पुट लेआउट एक्स चार्ट टाइटल, गो टू लेआउट देन क्लिक ऑन चार्ट टाइटल अबव चार्ट, सो टाइटल इज रिजेक्शन पीपीएम, रीवर्क पीपीएम, रिपेयर पीपीएम, एंड स्क्रैप पीपीएम। सो फ्रेंड दिस इज द टाइटल ऑफ चार्ट, रिजेक्शन पीपीएम, रिवर्क पीपीएम एंड रिपेयर पीपीएम एज वेल एज स्क्रैप पीपीएम। हेयर वाई एक्सिस इज द पीपीएम, हेयर रिजेक्शन पीपीएम, रिवर्क पीपीएम एंड रिपेयर पीपीएम, स्क्रैप पीपीएम। सो फ्रेंड्स दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रिजेक्शन, रिवर्क एंड रिपेयर, स्क्रैप पीपीएम। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा रिजेक्शन पीपीएम कैस क्या होता है, रिवर्क पीपीएम क्या होता है, रिपेयर पीपीएम क्या होता है, स्क्रैप पीपीएम क्या होता है। इसको हम डे बाय डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जब हम तीनों कैटेगरी का पीपीएम कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमारे प्रोसेस की एफिशिएंसी का पता लग जाता है और इफेक्टिवनेस का भी पता लग जाता है। जितना आपने इनपुट लिया उतना ही आउटपुट दे रहे हो, देन योर प्रोसेस की इफेक्टिवनेस 100% एंड एफिशिएंसी आल्सो इज 100%। अगर आपने जो है कुछ रिजेक्शन निकाला है तो वहाँ पर जो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर लेग डाउन। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा रिजेक्शन, रिवर्क एंड रिपेयर, स्क्रैप पीपीएम कैसे निकालते हैं। थैंक यू।